तो एक पहले एक कहानी से स्टार्ट करता हूँ, मतलब छोटी सी कहानी है कि मोहब्बत में बड़ा प्यारा सा आशियाना था, जानता ये गांव और सारा जमाना था। मोहब्बत में बड़ा प्यारा सा आशियाना था, जानता ये गांव और सारा जमाना था। जिसको देखे बिना मुझे आता था नाराज, मैं उसके प्यार में इतना दीवाना था। मैं उसके प्यार में इतना दीवाना था, दीवाना ऐसा जो अपनी तकदीर को चूमा करता था। दीवाना ऐसा जो अपनी तकदीर को चूमा करता था, हर वक्त अपने मगन में झूमा करता था। और उसकी एक दीदार के खातिर उसकी इश्क में रांझा बन के गलियों में घूमा करता था। इश्क में रांझा बन के उसके गलियों में झूमा करता था। वो इसी बहाने गली में रहती थी, कभी माँ की डांट तो कभी ताने सहती थी। वो इसी बहाने गली में रहती थी, कभी माँ की डांट तो कभी ताने सहती थी। करने को इशारा वो झुमका हिलाती तो कभी ये जी तो कभी वो जी कहती थी कि जब तुम मुझसे मिलने आना सबसे पहले गले लगाना, रास्ता ताक रही हैं आंखें, पहन के काले कपड़े आना। फिर मैं जब भी उससे मिलने जाता पहन के काले कपड़े आता, बातें बातें करता, बाद में सबसे पहले गले लगाकर मैं उससे लिपट जाता था, वो सीने से लगकर मुझसे लिपट जाती थी। गले लगाकर मैं उससे लिपट जाता था, वो सीने से लगकर मुझसे लिपट जाती थी। मैं मस्त मलंग हो जाता था जब वो मुझसे मिलने आती थी। मैं मस्त मलंग हो जाता था जब वो मुझसे मिलने आती थी। आते वक्त वो अपने जुल्फे को सवार को आती थी। खासकर वो मुझसे मिलने इतवार को आती थी। मुझे मिलने की चाहत में बिल्कुल सब्र नहीं होता था सबकी, मगर खुद की कोई खबर नहीं होता था। होता भी कैसे जब हम मिलते मिलते एक परवाने हो गए, हम एक दूसरे के प्यार में इतने दीवाने हो गए। वो दीवानगी और प्यार हर मन्नत का अंजाम था, मैं मांगता सुबह शाम था, हर मंगल को मंदिर हुआ था, हर दुआ में उसका नाम था। हर दुआ में उसको मांगा था, हर पेड़ में धागा बांधा था। खैर ये उस समय की बात है जब मैं भी मजनू रांझा था। ये छोटी सी कहानी थी, एक दो चार लाइन का लिखा था, कुछ जो ट्राई करूँ बहुत दिनों से कि बातों बातों में बात बताकर बोली। ये उस सिचुएशन के ऊपर होता है कि जब किसी के घर वाले रिश्ता तय कर देते हैं और आखिरी बार बोलते हैं लोग, मतलब वो लड़की, कि आओ मुझसे बात कर लो, फिर ना तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते। तो लड़की के मतलब इसी में होता है कि बातों बातों में बात बताकर बोली, आखिरी बार वो मुझे हंसा कर बोली। बातों बातों में बात बताकर बोली, आखिरी बार वो मुझे हंसा कर बोली। जा रही हूँ छोड़कर बीच सफ़र में, जा रही हूँ छोड़कर बीच सफ़र में, वो मुझसे अपनी नज़रें झुका कर बोली। कोई अच्छी लड़की देखकर कर लेना शादी, वो ये बात मुझसे गले लगाकर बोली। और मैं इश्क में बेवफा नहीं रोशन, अपनी मेहंदी में मेरा नाम दिखा कर बोली। थैंक यू।